नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित कोढ़ा और मेरे इस चैनल टूर एंड ट्रिप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फुकेट में जब फीफी आइलैंड पर जाते हैं तो वहां पे जाने के लिए आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, या तो आप स्पीड बोट से जाइए या फिर आप बिग बोट से जाइए। अब स्पीड बोट और बिग बोट में क्या डिफरेंस है, उसमें प्राइस में कितना वेरिएशन है, कितना समय उसमें पहुंचने में लगता है, क्या क्या इंक्लूडेड होता है, क्या एक्सक्लूडेड होता है, ये सभी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं बिग बोट की। अब बिग बोट जब हम बात करते हैं तो वो कुछ इस तरह से होती है। बिग बोट में अप्रोक्सीमेट 300 से 400 पैसेंजर एट ए टाइम ट्रैवल करते हैं। इसका जो टाइमिंग होता है वो सुबह 7 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक होटल पिकअप एंड ड्रॉप के साथ होता है। और इसके अंदर होता यह है कि जब आप फीफी आइलैंड के लिए जाते हैं तो आप फेरी पोर्ट से डायरेक्ट सिर्फ जो बिग बोट होती है वो फीफी आइलैंड तक ही जाती है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये प्राइसिंग में तो 1100 बाट पर पर्सन की होती है, लेकिन इसमें एक नेशनल पार्क फी इंक्लूडेड नहीं होती है, जो आपको 400 बाट पर पर्सन के वहीं एट टाइम पे करनी पड़ती है। मतलब ये गवर्नमेंट का एक कोई फीस होती है जिसको नेशनल पार्क फी बोलते हैं, वो आपको वहां कंपलसरी देना होता है। अब हम बात करते हैं स्पीड बोट की। तो देखिए दोस्तों, स्पीड बोट जब हम बात कर रहे हैं तो स्पीड बोट वो कुछ इस तरह से होती है। इस स्पीड बोट में अप्रोक्सीमेट 20-30 पर्सन ही बैठते हैं और ये टाइम कंज्यूमिंग होती है, ये जल्दी फीफी आइलैंड तक पहुंचती है। अब चूंकि जल्दी पहुंच जाती है तो ये दो आइलैंड और कवर करती है, एक तो करती है माया बे आइलैंड और एक करती है खाई आइलैंड। ये दोनों आइलैंड ये कवर करवाती है और फिर फीफी आइलैंड ले जाती है। मतलब इसको लेने का ऑप्शन ये है कि आपको दो आइलैंड और एक्स्ट्रा कवर करने को मिलते हैं। अब ये आइलैंड क्या है, इस आइलैंड में क्या क्या करने को है, ये सब आप मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं कि दोनों में ऑप्शन में ज्यादा बेस्ट क्या है। तो अभी तक तो जो मैं आपको बताया उसके हिसाब से आपको स्पीड बोट ज्यादा बेटर लग रही होगी। अब आप दोस्तों समझ लीजिए प्राइस में डिफरेंस क्या है। जो बिग बोट है उसका प्राइसिंग है 1100 बाट पर पर्सन प्लस 400 बाट जो आपको वहां देने हैं, आपको एट ए टाइम नहीं देने लेकिन आपको वहां देने हैं, तो मतलब 1500 बाट की होती है बिग बोट। अब यहीं पे हम बात करते हैं स्पीड बोट की। स्पीड बोट का जो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आता है वो आता है 2000 बाट, लेकिन इसके अंदर एक प्लस पॉइंट और यह है, वो ये है कि इसमें नेशनल पार्क फी इंक्लूडेड होती है। यानी कि आप बिग बोट के 1500 बाट दे रहे हैं और 2000 बाट में आपको स्पीड बोट मिल रही है जिसमें दो आइलैंड एक्स्ट्रा वो कवर करते हैं। तो ज्यादा बेनिफिशियल तो स्पीड बोट ही है। मैं तो आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप स्पीड बोट ही प्रेफर करें। अब नॉर्मली दोस्तों होता यूं है कि जब आप पैकेज के लिए इंक्वायरी करते हैं किसी भी ट्रेवल एजेंट से या किसी भी वेबसाइट से, तो आपकी पैकेज कॉस्ट को कम करने के लिए नॉर्मली हर ट्रेवल एजेंट स्पीड बोट की जगह बिग बोट ही प्रेफर करवाता है, क्योंकि यहाँ पे पैकेज कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेट 2 से 3 हजार पर पर्सन की कम हो जाती है। तो जब कॉस्टिंग कम होगी तो ऑब्वियसली आपका अट्रैक्शन भी उसी पे बनेगा जो सबसे कम रेट देगा। तो मेरा आपसे सजेशन ये है कि अगर आप कोई ट्रैवल एजेंट से कोई ट्रैवल पैकेज बुक करा रहे हैं तो फीफी आइलैंड जाने के लिए आप स्पीड बोट ही प्रेफर करें, क्योंकि इसमें आपको दो आइलैंड एक्स्ट्रा कवर करने को मिलते हैं, प्लस साथ ही साथ स्पीड बोट का एक्सपीरियंस बिग बोट से ज्यादा अच्छा होता है। और हाँ दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिए, अगर आपको सी सिकनेस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपको गाड़ी में जैसे बस वगैरह में जाते हैं वॉमिटिंग वगैरह होती है, तो फीफी आइलैंड जाते समय आप टैबलेट एक वॉमिटिंग की जरूर लेके जाइए जिससे आपको वॉमिटिंग नहीं। तो दोस्तों ये तो था फीफी आइलैंड के अंदर बिग बोट और स्पीड बोट का डिफरेंस। दोस्तों अगर मैं कंफर्ट लेवल और सेफ्टी लेवल की बात करूं तो बिग बोट थोड़ी सी यहां पे एक पॉइंट आगे है, क्योंकि अगर आप सीनियर सिटीजन्स के साथ जा रहे हैं या फिर आप सीनियर सिटीजन ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप में से कोई ऐसी लेडी हो जो प्रेग्नेंट हो, फिर आप बिग बोट से ही आप ये फीफी आइलैंड का ट्रैवल कीजिए। और दूसरा, यहाँ पे स्पीड बोट जो है थोड़ी सी बम्पी होती है, वो लहरों के साथ थोड़ी सी बम्प करती है क्योंकि छोटी होती है, तो काफी बम्प उसके अंदर आपको वहां तक पहुंचने में मिलेंगे। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बिग बोट और स्पीड बोट में थोड़ा सा एडवेंचरस डिफरेंस ये है कि अगर आप यंगस्टर जा रहे हैं, हनीमून कपल्स हैं, तो आप स्पीड बोट ले सकते हैं।
तो दोस्तों ये था स्पीड बोट और बिग बोट में डिफरेंस। ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस हम लेके आते रहेंगे। और अगर आपको ये फीफी आइलैंड का टूर बुक करना है तो आप हमारी वेबसाइट पे नीचे लिंक पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस वेबसाइट पे जाके फीफी आइलैंड का टूर स्पीड बोट या बिग बोट दोनों में से जिसमें भी आपको ऑप्शन अच्छा लगे उसमें आप बुक कर सकते हैं। आप जैसे ही वो टूर बुक करेंगे तो आपको इंस्टेंटली एक कंफर्मेशन मेल आ जाएगा। उसके बाद आपसे होटल की डिटेल्स वगैरह हमारे एग्जीक्यूटिव पूछ लेंगे। आपके होटल से पिकअप एंड ड्रॉप पूरा का पूरा ये टूर अरेंजमेंट रहेगा फुकेट के अंदर, आप चाहे किसी भी होटल में हो। दोस्तों कुछ कुछ होटल सिटी से काफी दूर हैं, तो उन होटल्स के पिकअप एंड ड्रॉप के लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, तो वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में ही हमारी कंपनी का नंबर दे रखा है, वेबसाइट दे रखी है, आप चाहे तो टूर वहां से बुक कर सकते हैं, अदरवाइज आप फोन करके इंक्वायरी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी बुक कर सकते हैं। जैसे ही आप बुक करेंगे आपको इंस्टेंटली कंफर्मेशन मेल मिलेगा, आपके वाउचर आपकी ट्रेवल डेट से 48 आवर्स पहले पहुंच जाएंगे। और अगर आपको फुल पैकेज भी बुक करना है तो भी आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आपके पैकेज के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी कोई जानकारी चाहिए, जैसे फीफी आइलैंड पे स्टे का ऑप्शन भी होता है, तो कौन सा होटल फीफी आइलैंड में बेस्ट है स्टे करने के लिए, ये सब मेरी दूसरी वीडियो में है, आप देख सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई सभी तरीके की जानकारी मैं आपको इस वीडियोस में लाता रहूंगा। तब तक के लिए।